नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा, खास पेशकश एमपी से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है तब से मुख्यमंत्री सभी वर्गों के हित में कई बड़े फैसले करते आ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें बुजुर्गों को ट्रेन के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई जाती है। साल 2012 से शुरू हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का एक नया स्वरूप देकर शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से इस योजना को लोकप्रिय बना दिया है। इस योजना के तहत देश में पहली बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार हवाई जहाज के जरिए बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रही है। इसका पहला चरण अब शुरू हो चुका है। इस दौरान प्लेन से प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर धाम की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। संघ फूक गया है, बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है, सब खुश हैं? हैं तो बोल के बताओ, सब खुश हैं? हमारे तीर्थ यात्री, हमारे काका, हमारे दादा, हमारी माई आज जीवन का अद्भुत सुख प्राप्त करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन का। आपके साथ मंत्री भी जा रही है और कर्मचारी भी, आपकी यात्रा ठीक से हो सके इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। सरकार आपकी सेवा में उपस्थित है। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हमने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई थी सीएम हाउस में, ये 2011-12 की बात है, सीनियर सिटीजन पंचायत। और तब हम पूछ रहे थे कि बताओ क्या क्या काम करना चाहिए बुजुर्गों के लिए। तो कोई कह रहा था वृद्धाश्रम खोल दो, कोई कह रहा था वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था भी कर दो, कोई कह रहा था थोड़ा बहुत उसमें खेलने की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि टाइम कट जाए बुढ़ापे का। लेकिन एक बुजुर्ग खड़े हो गए, वो कहने लगे बेटा शिवराज, अरे ये लाइब्रेरी माइब्रेरी रोटी मोटी तो छोड़, तू तो मरने के पहले एक बार तीरथ करवा दे रे बेटा, तीरथ करवा दे। बात मेरे कलेजे में बैठ गई, उनकी तड़फ मैंने देखी, उनकी आंखें, उनका चेहरा कह रहा था रोटी वोटी तो मिल जाएगी लेकिन मरने के पहले अगर भगवान के दर्शन कर लिए तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और तब हमने तय किया 2012 में कि सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी। अब हमने तय किया कैसे जाएंगे, तो तय किया रेल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन में सारी व्यवस्था, चाय, नाश्ता, भोजन, पीने का पानी, डॉक्टर, ध्यान रखने वाले वो भी संग जाए। फिर जहां उतरे तीर्थ यात्रा में, वहां तीर्थ पे उनके रुकने की, भोजन की, विश्राम की सब व्यवस्थाओं और पूरे सम्मान के साथ दर्शन कराएं। अगर काशी जाए तो गंगा जी भी नहाए, हरिद्वार जाए तो गंगा जी भी नहाए, और फिर वापस लेके आदर से उनको यहां लौटा के लाएं और घर भिजवाएं। ये तीर्थ यात्रा बनी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को साल 2012 में शुरू किया गया था। 3 सितम्बर साल 2012 में भोपाल से रामेश्वरम प्रथम तीर्थ दर्शन रेल चलाई गई थी,
इस योजना को अपग्रेड करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथे कार्यकाल में 21 मई साल 2023 में हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की, जिसके पहले चरण में हवाई जहाज से बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर धाम की यात्रा कराई गई। या कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी मिलत बह जाई जबुर मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। पानी मिलत बह जाई बजोर मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। भोला भजन सुखदाई जपुर मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। भोला भजन सुखदाई बजोर मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। बोले सियावर राम चंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। हमारे वो बुजुर्ग जिनने कभी हवाई यात्रा नहीं की थी, पहली बार हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं प्रयागराज जी, तो सबके मन अत्यंत प्रसन्न हैं। अभी कह रहे थे कि पहले तो उड़ते देखते थे कि वो जा रहा है, हाँ अब कह रहे हैं कि हम उसमें बैठ के जा रहे हैं। और मेरा मन भी आनंद से भरा हुआ है, भावनाओं से भरा हुआ है। अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के मुझे लग रहा है कि मेरा भी जीवन धन्य हो गया। 21 मई को भोपाल के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज रवाना हुए। 23 मई को आगर मालवा जिले के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना हुए। 25 मई को बैतूल जिले में तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन रवाना हुए। 26 मई को देवास के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना हुए। 3 जून को खंडवा के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता गंगा सागर रवाना हुए। 4 जून को हरदा के तीर्थ यात्री भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज रवाना हुए। 6 जून को मंदसौर के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना हुए। 8 जून को नर्मदापुरम के तीर्थ यात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन रवाना हुए। 9 जून को नीमच के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना हुए। 15 जून को बड़वानी के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता गंगा सागर रवाना हुए। 16 जून को इंदौर के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता गंगा सागर रवाना हुए। 18 जून को दमोह के तीर्थ यात्री भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज रवाना हुए। 19 जून को बुरहानपुर के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता गंगा सागर रवाना हुए। 19 जून को रतलाम के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से
शिरडी दर्शन करने रवाना हुए। 20 जून को शाहजहांपुर के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना हुए। 22 जून को सागर के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन के उड़ान भरी। 23 जून को खरगोन के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता गंगा सागर रवाना हुए। 23 जून को उज्जैन के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना हुए। 2 जुलाई को विदिशा के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज रवाना हुए। 3 अलीराजपुर के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना हुए। 4 जुलाई को राजगढ़ के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा मथुरा वृंदावन रवाना हुए। 6 जुलाई को सीहोर के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन रवाना हुए। 7 जुलाई को धार के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी रवाना हुए। 16 जुलाई को रायसेन के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज रवाना हुए। 19 जुलाई को झाबुआ के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी की यात्रा के लिए रवाना हुए। अब पहले हमने तय किया था कि बुजुर्ग जाएंगे, तो ये तय नहीं किया था कि पति जाएंगे तो पत्नी भी जाएगी। अब कई बार क्या हुआ कि जब सिलेक्शन हुआ आवेदन में, तो पति का हो गया, पत्नी छूट गई, तो फिर मुझे कहा कि अरे बेटा, अरे मैं डुकरिया हूं, दादा के संग चला जान दे तेरे अलग अलग मत कर बेटा, संग करवा दे रे। तो हमने तय किया कि दादा और बहू डुकरा डुकरिया संग ही जाएंगे। एक का सिलेक्शन हो गया तो दो ही जाएंगे। अच्छा फिर क्या, जरा बुजुर्गों का सिलेक्शन तो 60 तो सबसे कम उम्र है, 60 से ऊपर के, तो फिर 70-80 के भी, तो फिर जब 2-4-5-10 ट्रेन निकल गई तो फिर मांग आई। अब मुझे कहा कि बेटा क्या, अरे कल डुकरा डुकरिया है, कहीं ट्रेन से उतर पे में हाथ भी पकड़नो पड़े, तो ध्यान भी रखनो पड़े। तो कहले एक बात और कर दे कि जो ज्यादा बुजुर्ग है उनके साथ एक और कर दे संग, तो ढंग से यात्रा करवाते दर्शन पर्सन। बोले गंगा जी में नहा भी गए और कहीं भाई खिसक गए तो पकड़े कौन हमें। तो हमने कहा ठीक है, अब जरूरत है, ज्यादा बुजुर्ग है तो एक और संग सही। लेकिन हम क्या करें, 18 में सरकार नहीं बनी, तब तक जैसा उषा जी बता रही थी 7,40,000 बुजुर्गों को यात्रा करवाई, तो बीच में यात्रा बंद हो गई। फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में बुजुर्गों को भेज नहीं सकते थे, लेकिन आज वो शुभ दिन फिर से आया है, आज से फिर तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। और अब ये ट्रेनें रुकेंगी नहीं, एक के बाद एक ट्रेनें मेरे बुजुर्गों जाती रहेंगी, आपको तीर्थ दर्शन कराती रहेंगी। मध्य प्रदेश सरकार खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 21 जून को भोपाल एयरपोर्ट से रविवार सुबह 9:45 पर प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरी। 1 घंटे पर 10:50 पर सभी प्रयागराज में लैंड हुए। शाम को सभी बुजुर्ग गंगा आरती में शामिल हुए, सभी ने पूजन अर्चन किया। ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। 19 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन, गंगा सागर ले जाया गया। देखिए जिंदगी का ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है तीर्थ दर्शन। 4 चीजें हमारे अंदर है, हम एक शरीर हैं, शरीर है तो शरीर सुखी रहना चाहिए। अपने का पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर कैसे सुखी रहे, तो मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, 1 रुपया किलो हम भी दे रहे हैं, गरीबों के मकान बनवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोई को झुपड़िया में नहीं रहने देंगे। और अभी तो एक काम और कर रहे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूं
कि हम एक काम और कर रहे हैं अभी कि जो कई प्रभावशाली दादा गुंडे उनने बड़ी बड़ी जमीन इधर उधर हत्या ली, तो हमने तय करी कि इन पे तो भैया बुलडोजर चला के जमीन छुड़ा लो इनसे। तो बताओ छुड़ानी चाहिए कि नहीं? और छुड़ा के अब वो जमीन गरीबों में बांटेंगे हम, तो ये पुण्य का काम होगा कि नहीं? तो जितनी जमीनें छूट रही है, भोपाल में भी कल बड़ी कार्रवाई हुई है, पता नहीं कितने करोड़ की जमीन मुक्त हुई है, 350 करोड़ रुपया की जमीन पे कब्जा कर लिया था हमने, वापिस छुड़ा ली। भैया इन लोगों को जो बाहुबल के आधार पे प्रभाव के आधार पे कब्जा कर लेते थे उनसे वापिस लेके गरीबों का भला करना है अपन को, सही बात है? तो वहां गरीबों के मकान और बाकी व्यवस्थाएं करेंगे, मकान भी बन जाए, बीमारी के इलाज की भी व्यवस्थाएं, वो सारी चीजें चल रही है, तो शरीर के सुख की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग यहां कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, केवल शरीर से काम नहीं चलता, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो मन की प्रसन्नता के लिए अलग अलग कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, आनंद उत्सव मनाते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, संस्कृति विभाग लगातार कार्यक्रम करता रहता है, अलग अलग लोग नृत्य से लेके भजन मंडली तक, तो उससे मन का आनंद मिलता है। फिर तीसरी चीज है बुद्धि, बुद्धि का सुख भी चाहिए, तो बुद्धि के सुख के लिए स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज वो सब चल रहे ताकि पढ़ लिख के बुद्धि को और बेहतर बना के हम आगे बढ़ सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। और आने के बाद 3-4 काम जरूर आपको बता रहा हूं, बता दूं? अब कहोगे तो बताऊंगा, बता दूं? आने के बाद 3-4 काम, जैसे एक काम गांव में कहना कि भैया धरती बचाना है तो साल में एक पेड़ जरूर लगाओ, धरती हरी भरी रखो, धरती माता, सही बात है? दूसरा गांव में आके कहना कि कोई दारू मत पियो, नशा मत करो, अब तीर्थ यात्रा करके आओगे तो आपका कद बढ़ जाएगा, तो आप समझाने की भूमिका में रहोगे, दर्शन का आनंद भी बताना, और कहना कि नशा छोड़ दो, नशा नाश की जड़ है, ये सिवा नुकसान के कुछ नहीं करती। सबसे कहना कि जितना बेटों को मानते हो उतने बेटी को भी मानो, बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी की इज्जत मान सम्मान, कोई के घर बेटी पैदा हुई तो घर ढोल बजा, बढ़िया भजन करवा, बेटी आई लक्ष्मी आई है, तो बेटी को बोझ नहीं, बेटी वरदान बनने लगे, ये कोशिश भी हम करें, गांव में अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, सब सही रास्ता पे चले उसकी कोशिश करें, पानी बचाने की बात, बिजली फालतू ना जलाने की बात, तो गांव का भी भला हो जाएगा। आज आप सबको शुभकामनाएं, क्या मैं तो बेटे ही हूं कि नहीं? अरे बेटा हूं कि नहीं मैं? तो हम तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। नहीं, हर एक की इच्छा होती है कि मृत्यु के पहले एक बार तीर्थ दर्शन करके आए, जो संपन्न है वो अपने पैसों से चले जाते हैं, लेकिन निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब भाई बहन तीर्थ दर्शन करने नहीं जा पाते थे। एक बार बुजुर्ग पंचायत हमने बुलाई थी, तो हम बात कर रहे थे वृद्धाश्रम बाकी, तो एक बुजुर्ग खड़े हो गए कि यार बेटा शिवराज, ये बाकी रोटी बोटी तो चलती रहेगी, मरने के पहले तीर्थ तो करवा दे एक बार। तो उसी से ये विचार मजबूत हुआ कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवानी चाहिए। तब 2012 में हमने शुरू की ट्रेन से तीर्थ यात्रा, और आज 2023 में हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए एक स्वर्णिम पहल मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना 2023 में शुरू की है। इस योजना के साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है
जिसने सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने की बात कही है। इस योजना के अंतर्गत अब बुजुर्ग नागरिकों को मध्य प्रदेश के बाहर स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए सरकारी खर्च से हवाई जहाज के जरिए दर्शन हेतु भेजा जा रहा है। जिन बुजुर्गों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है और आयकर दाता नहीं है, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना हेतु तीर्थ यात्रा करने का लाभ दे रही है। उनका मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। तीर्थ यात्रा में अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी साथ ले जाना आवश्यक है। आत्मा प्रसन्न रहती है दूसरों का भला करने से। भूखे को भोजन दे दो, कितनी खुशी होती है, होती कि नहीं होती है। प्यासे को पानी पिला दो, बिना पढ़े को पढ़ा दो, कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन आत्मा का सुख मिलता है एक भगवान के दर्शन में। हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। अरे पिछली बार जब हम गए वहां और बैठे काशी विश्वनाथ के सामने तो सब भूल ही गए। इतना आनंद आया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा गदगद और प्रसन्न हो जाती है और आत्मा भगवान में लग गई तो जीवन ही सफल हो जाता है। और इसलिए ये तीर्थ यात्रा, कई लोग कहते हैं, पत्रकार मित्र कह सकते हैं, सब नहीं कहते, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये तीर्थ करवा रहे हैं, इससे क्या फायदा। और ये फायदा तुम नहीं समझोगे, एक बार भगवान में लौ तो लगा के देखो, तब समझ में आएगा कि तीर्थ यात्रा क्या है। जीवन धन्य हो जाता है। राम का नाम, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम सचमुच में हमारे जीवन को अद्भुत आनंद से भर देता है। और हमारे यहां तो कही जाए कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और इसलिए अद्भुत है ये यात्रा। यहां से गाते बजाते भजन करते, भजन अजय मंडली जा रही कि नहीं दीदी? अरे होन दो, बीच में सुंदरकांड चले, भजन चले, आनंद से जाओ, बाकी सब चीज भूल जाओ। घर पर ध्यान व्यान मत लगाओ, नहीं तो जाओ तीर्थ यात्रा, सोचे पता नहीं मोड़ा को क्या हो रहा हो, रोटी खाई का नहीं बात है, अबे बुझाओ मोड़ा मोड़ी, अब तो केवल परमात्मा ध्यान रखो। अद्भुत आनंद आएगा। खूब प्रेम से दर्शन कीजिए, यात्रा कीजिए और खूब आनंद से आइए। शिवराज सरकार के प्लेन से तीर्थ यात्रा के नए नवाचार की हर ओर तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस योजना को लेकर शिवराज सरकार की तारीफ करते नजर आए। तारीफ भी क्यों ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य जो बन गया है। अब तक मध्य प्रदेश के 25 जिलों के बुजुर्ग हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। हमारे लिए तो श्रवण कुमार हैं, वो भगवान उनको हमेशा खुश रखे और शिवराज सरकार हमेशा ही रहे, हम तो ये चाहते हैं। बहुत गौरवान्वित हो रहा है साहब, हम अपने आप में बहुत गौरवान्वित हैं और सरकार के लिए धन्यवाद देते हैं। शिवराज जी के लिए, उन्होंने पुनीत कार्य के लिए हमको प्लेन में बिठाया और त्रिवेणी स्नान के लिए, तो सबको बहुत अच्छे लग रहा है। ऐसा कभी जीवन में किसी ने प्लाट नहीं देखा होगा। जो गांव में रहते हैं वो सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे आ गए। शिवराज जी चौहान ने हमको विमान में यात्रा करने के लिए रवाना कर दिया है। यहाँ से हम प्लेन में बैठने वाले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जुग जुग जिए और सदैव मुख्यमंत्री बने रहे। हमारे 32 सदस्यों की यात्रा पर हम माननीय श्री शिवराज जी चौहान के मार्गदर्शन में हम शिरडी के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक सपना आज साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी टीम में मिलकर ये तय किया कि अपने बुजुर्गों को हम हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाएंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम दुनिया में आए तो रोटी, कपड़ा, मकान,
रोजगार के साधन के इंतजाम तो करनी पड़ेगी। लेकिन भौतिक प्रगति के साथ मनुष्य आध्यात्मिक शांति भी चाहता है। ये धर्म प्रधान देश हमारा जो भगवान में विश्वास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।